नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया 100 न्यूज। शहीद नायक सूबेदार जयपाल सिंह चहर का पार्थिव शरीर पहुंचा उनके पैतृक गांव रिठौरी। आगरा जनपद के थाना काकरौल के रहने वाले नायक सूबेदार जयपाल सिंह की ड्यूटी के दौरान जान चली गई। जब देर शाम गांव रिठौरी जयपाल सिंह चहर का पार्थिव शरीर पहुंचा तो हजारों की संख्या में लोगों की आंखें नम दिखाई दी। हर कोई व्यक्ति, चाहे छोटा हो या बड़ा, या बहन हो या माँ, हर किसी की आंखों में आंसू दिखाई दे रहे थे। आपको बता दें कि नायब सूबेदार जयपाल सिंह सन 2000 में भर्ती हुए थे। नायब सूबेदार के पद पर आसाम में तैनात थे। ड्यूटी के दौरान बर्फ की पहाड़ी पर चढ़ते समय ऑक्सीजन की कमी होने से के कारण 4 जवान शहीद हुए थे, जिनमें चहर बाटी के लाल जयपाल सिंह चहर भी थे। चचेरे भाई ने फोन के माध्यम से घर वालों को बताया कि जयपाल सिंह शहीद हो गए। ये बात जब गाँव के लोगों को पता चली तो हर कोई रोने लगा। गांव में सन्नाटा पसर गया। गांव में किसी भी घर में चूल्हा तक नहीं जलाया गया। शहीद का शव घर पहुंचा तो माँ और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। काफी संख्या में लोग शहीद के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। उसके बाद राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहां उपस्थित लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मीडिया 100 न्यूज आगरा से हरजीत सिंह की रिपोर्ट। आप इस परिवारजनों से क्या चाहती हैं इस तरीके से? हम केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं, ये राष्ट्रीय लोकदल की मांग है कि शहीद का दर्जा होना चाहिए इस शहीद के लिए। जी जी, राष्ट्रीय लोकदल की मांग है। जी। और परिवार को पूरी सुविधा मिलनी चाहिए। अच्छा। जब तक ये बच्चे हैं, बच्चों को पूरी फिर पढ़ाई वगैरह ये सब का व्यवस्था होनी चाहिए सरकार की ओर से। और खास मांग ये है कि शहीद का दर्जा होना चाहिए। जी। अब इन्होंने किया है कि नहीं किया है, लेकिन हमारी पार्टी की मांग है, केंद्र सरकार से मांग है कि शहीद का दर्जा मिलना चाहिए।